Thank you, sir. Yes. Yes. आज उदयपुर संभाग के तमाम जिले के जो हमारे बूथ लेवल कार्यकर्ता हैं वो सब एकत्रित होकर आज सभा कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हमारी पार्टी की तैयारियां पूरी जोर शोर पर चल रही हैं। विधानसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है। सत्ताधारी पार्टी के हालात आप सब समझ रहे हैं क्या है। अपना अध्यक्ष बनाने में उनको बहुत दिक्कत आ रही है। कोई व्यक्ति उस पद को संभालने के लिए तैयार नहीं हो रहा और आपसी खींचतान में मैं समझता हूँ जनता भी समझ गई है कि जिन लोगों पर विश्वास कर सत्ता में हम लोगों ने बिठाया था उन लोगों ने लगातार जनता को निराश किया है। आज हर वर्ग से लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस को दोबारा आशीर्वाद मिले। 29 तारीख को दिल्ली में एक जनाक्रोश रैली है, युवाओं की, किसानों की, महिलाओं की, दलितों की, पीड़ितों की, कमजोर लोगों की आवाज़ बनकर राहुल गांधी जी उस मंच से भाजपा को ललकारेंगे और मुझे लगता है कि बीजेपी का पतन बहुत जल्दी होगा। 18 के अंदर इस साल में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तीनों जगह हम लोग सरकार बनाएंगे और 19 में अगले साल राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनना तय है। इसलिए पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता एकजुटता से काम कर रहे हैं। हम लोगों ने साल डेढ़ साल पहले 20 नए जिलाध्यक्ष बनाए थे। संगठन के चुनाव जनवरी फरवरी के महीने में संपन्न हुए, उसके बाद हमारे बाय इलेक्शन आ गए थे। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्द जहाँ भी बदलाव की हमें लगता है कि बदलाव होना चाहिए वहाँ बदलाव भी होगा, लेकिन सूची जो बनी है उसको बहुत जल्द दिल्ली से रिलीज किया जाएगा, चाहे वो ब्लॉक्स हों या जिले हों या प्रदेश कार्यकारिणी हो या अखिल भारतीय कार्यकारिणी हो। AICC में भी लगातार चेंज हो रहे हैं। चुनावों के लिए संगठन पूरी तरह गियर अप हो चुका है, लेकिन नए लोगों को, युवा लोगों को, जिन लोगों ने पिछले 4 साल से पार्टी को मजबूती देने का काम किया, उन लोगों को पुरस्कारित करने का काम राहुल गांधी जी करेंगे।